आज हम सब सीखेंगे वर्ण और परिभाषा, उसके भेद और भेदों के भेद, ठीक है। तो आज हम सब वर्ण, पहले क्या बताएंगे हम, वर्ण। वर्ण की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे खंडित ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ये वर्ण जो होते हैं टोटल कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। मान लो हम आज आपको एक सरलता से बताया है, सबसे घर के बुजुर्ग हैं ये वर्ण दादाजी, दादाजी है ये वर्ण क्या है, दादाजी। अब ये दादाजी के कितने बेटे हो रहे हैं, दो। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दो, स्वर जो होते हैं, टोटल स्वर जो होते हैं आपका 13 होता है। कितने, 13। अब कौन कौन से होता है मैं यहाँ लिखती हूँ, प, ह, तो आपका अनुसार अनुनासिक में जा रहा है, तो इसमें
हमने दीर्घ में दे दिया। अब इससे तीन गुना जो मुंह फूल रहा था हमने उसको किसको दे दिया? इतना समझ में आ गया सबको? आ गया, ठीक है। अभी बहुत बढ़िया, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। अब क्या अक्षर बचा था? क्या अक्षर बचा था? क्या बचा था? और एक बचा था आहा। और एक भी और होता है जो हम करते हैं चंद्रबिंदु वाले। अब आ रही है बारी, अंग का मतलब होता है अनुस्वार। क्या होता है अनुस्वार? आपकी एग्जाम में आता है, एग्जाम में आपका आता है ना, अनुस्वार लगाकर वाक्यों शब्दों को पूरा करो। हाँ, अब आता है अह। इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। और चंद्रबिंदु वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक, बहुत बढ़िया। अनुनासिक वाले शब्द लगाओ। अब प्रश्न कैसे, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपको लिख देगा यहाँ मंगल। अब पूछेगा प्रश्न, आप इसको अनुना अनुस्वार लगाकर शब्दों को पूरा करो। तो आप अनुस्वार लगाओगे किसमें? आप इसको क्या करोगे? अंगल। अगर आपका आ जाएगा हाँ चंदन, चंदन लिख दिया जाएगा, आप उसको क्या करना है? चंदन। ये अनुस्वार वाले, ये अनुस्वार वाले शब्दों हो गया। हाँ, अगर अब आ रही है बारी आपका अनुनासिक। अनुनासिक क्या करता है? चंद्रबिंदु वाले मात्रा लगाता है, जो ऐसे चंद्रबिंदु वाले मात्रा, अंग की मात्रा ऐसे लगाया, चंद्रबिंदु वाले ऐसे लगाया, और विसर्ग वाले शब्द ऐसे लगाया। तो इस तरह अनुनासिक, अगर मानो तीन चार शब्द एक जगह लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया नंदन, नंदन, अब नंदन लिखना है, नंदन बनाना है। अब लिख दिया चंदन, अब लिख देना है चांद। आपको इसमें दे, तीनों में देगा कि सही अक्षरों पर अनुस्वार अनुनासिक लगाओ। तो सही पर कौन, इसमें क्या लगेगा? अनुनासिक। इसमें क्या लगेगा? इसमें क्या लगेगा? अनुस्वार। अगर हमारा ऐसे रहेगा प्रात, यहाँ पे प्रात, प्रात, अब इसमें लगाना है क्या? विसर्ग। विसर्ग क्या करेगा? प्रातः, प्रातः। तो ठीक है, आज का हम इतना तक ही समझाएंगे। कल हम आपको व्यंजन के बारे में समझाएंगे, क्योंकि इतना पहले हमारे आपको पांच छह शब्द ऐसे ही अनुस्वार अनुनासिक लगाओ। और मेरा प्रश्न रहेगा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को कौन से अक्षर दिया गया था? दीर्घ स्वर को कौन कौन से अक्षर दिया गया था? और प्लुत स्वर को कौन से अक्षर दिया गया? ठीक है,